नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं अभियंता थे और बाद में वो राजनीति में आए और यहाँ आने के बाद वो कुशल इंजीनियरिंग जो है जातिगत मामलों में किए, बिहार की गद्दी को कैसे संभाले रखे इसके लिए उन्होंने इंजीनियरिंग की। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे ये जानकर कि कोई परीक्षा 2017 में होती है, लाखों इंजीनियर बच्चे और बच्चियां, लाखों लोग, सहायक अभियंता की परीक्षा हुई थी, हर विभाग जितने भी सरकार बिहार सरकार में जो है सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग, पीडब्ल्यूडी रोड, सबको मिलाकर के 1764 पद रिक्त पदों के लिए उसको भरने के लिए सहायक अभियंता के लिए निकाला गया था कि हमारे यहाँ रिक्तियाँ हैं और उसमें आप आवेदन कीजिए। तो लाखों लोग जब आवेदन किए, 2017 में फॉर्म भरे, 2018 में एक एग्ज़ाम होता है प्री एग्ज़ाम, उसके बाद उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद लगभग 15,000 बच्चे लगभग बचते हैं जिनका फिर से एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है और मेंस एग्ज़ाम भी 2019 में हुआ और 19 में होने के बाद से 2019 के शुरू में हुआ और उसके बाद उसका परिणाम नहीं आता है, कहीं भी परिणाम उसका नहीं आता है। तो ये कैसा परीक्षा होता है जब बीपीएससी के कार्यालय पर जाकर के हमारे बच्चे और बच्चियां जो हमारे भाई बहने वहाँ पर इंजीनियर जो हैं वहाँ पर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठियाँ चलती हैं, पुलिस की वो लाठियाँ जैसे अपराधी हैं हमारे इंजीनियर बच्चे, बिहार का वो इंजीनियर, होनहार इंजीनियर अपराधी हो जाता है और उन पर लाठियों की बौछार होती है, नहीं देखा जाता है कि उसमें कौन लड़की है कौन लड़का है, सबके ऊपर लाठियाँ चलती हैं नीतीश कुमार जी। तो ये कैसा एक इंजीनियर का राज है जो इंजीनियर राज कर रहा है और सहायक अभियंता के पद पर अगर रिक्तियां निकलती हैं, लोग भरते हैं, इंजीनियर हमारे भाई बहन उसको भरते हैं तो उसका परिणाम आप नहीं निकालते हैं साहब, ये कैसा शासन है। और एक और भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि एक तरफ हम लोग आज तक सुने हैं कि कोई परीक्षा अगर एक एग्जाम्पल के रूप में है कि अगर हम स्टाफ सिलेक्शन का एग्जामिनेशन इंटर के बाद दे सकते हैं तो क्या हम अगर पीजी कर लेंगे तो परीक्षा नहीं दे सकते हैं, पीजी करने के बाद भी तो उस परीक्षा को दे सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार ने एक ऐसा अभियंता के केस में किया है कि हमें लगता है कि ये अंधेर नगरी चौपट राज वाली कहानी को चरितार्थ करता है कि अगर बीटेक किए हुए है, बैचलर डिग्री जो रखे हुए है वो पॉलिटेक्निक वाले जूनियर इंजीनियर के पद पर नहीं भर सकता है आवेदन, उसके आवेदन को वहाँ नहीं लिया जाएगा। अगर हम डिप्लोमा से ज़्यादा डिग्री, ज़्यादा बड़ा डिग्री पा रहे हैं तो हम जूनियर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, ये कौन से फरमान हो सकता है, ये तो अफगानी पैगाम कुछ उनको दिखता है। तो हम डबल इंजन वाले लोगों से पूछना चाहते हैं कि बिहार में आप बैठे हैं और बिहार में इतनी घोर अनदेखी हो रही है हमारे डिग्री धारकों के साथ और ये डबल इंजन की सरकार इसकी मजे ले रही है, एक इंजीनियर शासन कर रहा है हमारे बिहार में और हमारे इंजीनियरों को पीटा जा रहा है, उसकी सरकार के द्वारा लाठी से पिटवाया जा रहा है, ये कैसी सरकार है भाई। तो इसी के लिए हम कहे हैं कि चुनाव का मौसम है, चुनाव का मौका है और इस मौके पर नीतीश कुमार जी नियोजित शिक्षकों के साथ नियोजित हटा करके धोखाधड़ी करने का काम किए हैं, कि उनके साथ नियोजित शिक्षक का नाम में नियोजित हटा करके धोखाधड़ी करने का काम किए हैं। तो एक तो उन्होंने कहा कि हमने शिक्षक को बहुत कुछ दे दिया है, सैलरी कुछ हाइक किए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिए हैं, एक समान काम समान वेतन नहीं माने हैं, तो वहाँ भी उन्होंने धोखा देने का काम किया है। लेकिन बिहार में हमारे युवा भाइयों बहनों के साथ जो इंजीनियर बने हैं उनके साथ ये जो धोखाधड़ी करने हैं ये नहीं चलेगा। अगर 15 दिनों के अंदर दोनों काम करें, एक तो सुधार करें कि डिप्लोमा
का जूनियर इंजीनियर के पद पर जो भी भर्तियां हो रही हैं उसमें स्नातक वाले भी दे सकते हैं, और बीपीएससी जो 3 साल पहले जो परीक्षा ली गई है उसका परीक्षा का परिणाम जारी करें, नहीं तो 15 दिनों के अंदर हम लोग बीपीएससी नहीं, हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करने की बात करेंगे और मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे।